नमस्कार, विंध्य भारत के साथ मैं प्रदीप त्रिपाठी। आइए डालते हैं अब तक की प्रमुख खबरों पे एक नजर। नमस्कार दोस्तों, मैं विंध्य भारत के साथ मैं मनीष द्विवेदी। मैं आज पहुंचा हूं ग्राम पंचायत हिनौती पमरिया, हिनौती लगता है ग्राम पंचायत, सिहावल ब्लॉक के अंतर्गत आता है। एक व्यक्ति है जो लगातार 3 वर्षों से लगातार परेशान है, लगातार SDM कोर्ट, सिविल न्यायालय, नेताओं का चक्कर काट रहे हैं। और उस जमीन की हालत, ये पुरखातों की जमीन है और वहाँ पर 70 सालों से इनका मकान है। किसी अवैध तरीके से या फर्जी तरीके से फर्जी सिजरा बनाकर अपने नाम करवा लिया गया है और मामला कोर्ट में भी है। मैं उस व्यक्ति से ही जानना चाहता हूँ कि आखिर पूरी कहानी क्या है, वो खुद बताएंगे। जी सर, ये मेरी ज़मीन जो है मेरे पूर्वजों की है और इसमें अवैध जो है तो शेजरा बनवा करके हमारी ज़मीन को वारसाना करवा लिया गया फामनिया द्वारा। जो ये अवैध शेजरा है आपके सामने मौजूद है, फामनिया शाह मोहम्मद, लाल मोहम्मद, जबकि ये माँ और बेटे हैं तीनों जी। लेकिन इन्होंने अवैध इमामुद्दीन की फामनिया पुत्री बनती है और शाह मोहम्मद, लाल मोहम्मद पुत्र बनते हैं। ये अवैध तरीके से शेजरा बनवा करके मेरी जमीन का वारसाना करवाया गया। आपका कहने का मतलब शेजरा गलत तरीके से बना के जी सर और जमीन अपने नाम करवा लिया। जी सर, अवैध तरीके से शेजरा बनवा करके मेरी जमीन का वारसाना अवैध तरह से करवाया गया है। और जबकि उनका हकीकत में शेजरा ये है, हमने उनके मायके से ये कौन सी ग्राम पंचायत का है? ये ग्राम पंचायत सुपेला का है। कैमरा में दिखाइए। ये ग्राम पंचायत सुपेला का शेजरा है जो उसका मायका है, वहाँ से हमने शजरा बनवाया है। ये आपके सामने मौजूद है। जी जी जी। तो ये बताइए आप कहाँ मामला चल रहा है, क्या है? मामला अब सिविल कोर्ट में चल रहा है सर। सिविल उससे पहले जो है तो सिविल कोर्ट में चल रहा था, तो उसमें क्या हुआ? उसमें भी शायद चल रहा है, उसमें भी चल रहा है। नहीं, अभी आप बोल रहे थे कुछ फैसला हो गया है। SDM के यहाँ से फैसला हो गया। किस बेस पर उसने फैसला किया, किस आधार पर किया है उसने फैसला? अब ये हमें कागज प्रस्तुत नहीं किया इस तरफ। ये हमने सब कागज प्रस्तुत किया था सर, और उन्होंने किस बिना पे फैसला उसके पक्ष में किया ये हमको खुद भी नहीं मालूम। हालांकि वो हम लोगों से पैसा मांग रहे थे, पैसा हम लोगों ने देने से इनकार कर दिया कि नहीं, हमारे पास हकीकत में जो बातें हैं हकीकत में रिकॉर्ड है, आप इसके तहत पे फैसला कीजिए। लेकिन उन्होंने कुछ ना सुना और पैसा लेकर के उन्होंने फैसला कर दिया। तो आप आगे नहीं गए फिर ऐसा? आगे गए हैं सर, आगे कमिश्नर साहब के यहाँ चल रहे हैं। तो ये बताइए कि मकान आप कितने वर्षों से कब्जा किए उसमें रहते हैं? सर अब हम ये तकरीबन 60-70 साल पहले की बात है, और हमारा मकान आप खुद भी देख लें उसको चेक करके कि 70 साल पुराना मकान बना हुआ है। मकान पुराना है, दादे बाबे से हमारा मकान है कि दरवाजा है सब बीत गए। तो इनका कहना है कि मैं मकान पर काबिज हूँ अभी।